बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार ने धान खरीद मूल्य का जो समर्थन मूल्य तय किया है उससे अधिक बोनस देने का काम भी बिहार के किसानों को करे। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां उन्होंने कहा है कि 21 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदारी होगी, तो बिहार के साथ ऐसा छलावा क्यों करें। क्या कुछ कहा उन्होंने धान के बोनस को लेकर और साथ ही साथ पराली प्रबंधन को लेकर, क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। चुनाव चल रहा है जिसमें कई राज्यों के मतदान खत्म हो गए हैं, कई राज्यों में मतदान होना है। मैं इसलिए आप सभी को बताना चाहता था कि ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, इसमें साफ शब्दों में लिखा है मोदी की गारंटी। और केवल एक राज्य का नहीं मसला है, ये सभी चार राज्य तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, चार राज्यों में देश के प्रधानमंत्री की मोदी की गारंटी के नाम से वादा पत्र, घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि हम वहाँ के किसानों को धान पर, धान की खरीद पर हम बोनस देंगे 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान और गेहूँ 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे जाएंगे। और उन राज्यों में जितना भी धान और गेहूँ होगा वो सभी खरीदे जाएंगे, कोई प्रतिबंध नहीं। सवाल यहाँ आता है कि क्या बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भारत के हिस्सा नहीं? अगर वो भारत के हिस्से हैं तो मोदी की गारंटी केवल चार राज्यों तक क्यों सीमित हो जा रही है? जिन लोगों ने देश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस नारे के साथ देश में सरकार चला रहे हैं, एक देश एक कानून, इनका नारा होता था कि एक देश दो विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस सिद्धांत के साथ देश की सत्ता पे काबिज लोग आज बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के भीतर धान के, गेहूं के बोनस मूल्य की क्यों नहीं घोषणा कर रहे? इसे जाहिर हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री देश के किसानों को बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 3 कानून, कृषि कानूनों, काला कानूनों को वापस करते समय कि हम देश के किसानों के लिए हम एक आयोग बनाएंगे जो यह तय करेगा कि किसानों की खेती की क्या स्थिति है। इंडिया गठबंधन के दलों से, खासतौर से हम कांग्रेस, जो 3100 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में धान खरीदने का काम कर रही है, बिहार में भी मांग करनी चाहिए राज्य सरकार के लिए से कि बिहार के किसानों की माली हालत सबसे बदतर है, इसका अंदाजा आर्थिक जनगणना से भी लोगों को मालूम हो चुका है। क्यों नहीं बिहार के किसानों को 3200 रुपये क्विंटल धान की खरीद होनी चाहिए? क्यों नहीं 2700 रुपये क्विंटल गेहूं की खरीद होनी चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री केवल उन राज्यों के प्रधानमंत्री हैं जिन राज्यों में केवल चुनाव हो रहा है? क्या बाकी राज्यों के देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं? क्योंकि ये सभी घोषणा पत्र प्रदेश के द्वारा जारी नहीं, मोदी गारंटी के नाम से जारी है। इसमें ये नहीं है कि प्रदेश जो राज्य स्तर की जो नेता है भारतीय जनता पार्टी, उन लोगों के द्वारा नहीं, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जाए। इससे जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के विकास के लिए गंभीर नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल सत्ता में काबिज होने के लिए झूठे वादे का एक जाल फेंका जा रहा है। इसलिए मैं अब भी कह रहा हूं इंडिया गठबंधन के सभी साथियों से, इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, कि बिहार के किसानों की माली हालत सुधारने के लिए बिहार में चूंकि धान की कटनी प्रारंभ हो चुकी है, खरीफ शुरू हो चुकी है, उसको जितना धान है एक एक पाई धान खरीदना चाहिए। राज्य सरकार 1.25 करोड़ टन के मुकाबले 45 लाख टन ही क्यों खरीद कर रही? बाकी किसानों का क्या होगा? दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा करके बोनस 3200 अन्य राज्यों में जैसे है 3200 रुपया कर देना चाहिए, यह हमारी सबसे प्रमुख मांग है। उसमें क्या बात आ रही है? आप लगातार जो अब तक कृषि रोड मैप पर सवाल, कृषि रोड मैप में पहले, दूसरे, तीसरे में जो प्रावधान थे वो चौथे में सेम प्रावधान है। कोई भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं कहा तो कोई गुणात्मक बदलाव नहीं, सिवा वही बजट बनाने का। लोगों की जरूरत है कि हमारे मूल्यवर्धन होना चाहिए, मंडी होना चाहिए,
हमारे अनाज का दाम मिलना चाहिए, फलों और फसलों का दाम मिलना चाहिए उचित, उन सवालों पे चौथा कृषि रोड मैप साइलेंट है। वह पुराने ही नीतियों को रीपैकेजिंग के जरिए इसको काम किया जा रहा है। पर दो एजेंसियां पैक्स और व्यापार मंडल खरीदे, क्या लगता है कि वो टारगेट को पूरा कर पाएगी जो आप कह रहे हैं बढ़ाने का 45? अभी भी बिहार में जो खरीद है वह कागजी टारगेट ही पूरा हो रहा है, धरातल पे टारगेट नहीं पूरा हो रहा है और पारदर्शी भी नहीं है खरीद, और किसानों को उचित मूल्य जो मिलना चाहिए वह भी उसमें घाल बेल है। यह लंबे समय से मेरा बयान है, आज भी मैं इस बयान पे कायम हूँ। यहाँ तक कि किसानों को अरवा और उसना चावल के जमा करने के नाम पर भी राज्य सरकार के पदाधिकारी उत्पीड़ित करते हैं और क्या बोलते हैं उसको, वसूली करते हैं, अवैध वसूली करते हैं। तो आपने सुना कि पूर्व कृषि मंत्री बिहार के कृषि सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को धान की खरीदारी पे बोनस देने को लेके पहल करने की जरूरत है, इसमें विचार विमर्श करने की जरूरत है। साथ ही साथ हरियाणा जिस तरह से किसानों को पराली को लेकर अनुदान दे रही है, उसी तरह से बिहार को भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि बिहार के किसान काफी कमजोर हैं और उनकी मदद करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, साथ ही साथ केंद्र सरकार की भी। कृषि और पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें तक तेरे किसान तक, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।